हाँ भाई, मैंने अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ऑर्डर किया था वन प्लस नॉर्ड 4 को, और इतने दिन के बाद फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। इसको मैंने खरीदा वो सिर्फ 25,000 रुपीज़ में। तो आज मैं इसका अनबॉक्सिंग के साथ साथ एक रिव्यू शेयर करने वाला हूँ, ये फ़ोन कैसा होने वाला है आपके लिए। अगर अपने भाई इस फ़ोन को लेना चाहते हो वीडियो को लास्ट तक देखो। तो चलो सबसे पहले इस अमेजोन बॉक्स को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। हाँ भाई, सबसे पहले देखो यार, वन प्लस नॉट 4 का बॉक्स देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस टाइप की होने वाला है। भाई आप इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। सबसे पहले एक बॉक्स मिलता है ब्लैक कलर का, देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। यहाँ पे मिलता है सबसे पहले एक टीपीयू केस, जिसका क्वालिटी मैं कहने वाला हूँ अच्छा है। यहाँ पे कुछ मैनुअल गाइड बुक मिलता है जो की कोई नहीं पढ़ता है। यहाँ पे मिलता है रेड क्लब की तरफ से एक कार्ड, एंड यहाँ पे नोट और वन प्लस का कुछ स्टिकर भी मिल जाता है। इसके अलावा है भाई सिम रिजेक्टर पिन। यहाँ पे मिलते हैं हमारा प्यारा सा फोन, इसका लुक देखो यार, काफी प्रीमियम सा लुक के साथ आने वाला है। इसको अभी मैं साइड में रखते हैं। यहाँ पे 100 वाट का एक फास्ट चार्जर, इसके अलावा है एक टाइप सी केबल। तो ये था सारे बॉक्स कॉन्टेंट। हाँ, सबसे पहले इसका डिजाइन देखो यार, काफी प्रीमियम सा डिजाइन के साथ आने वाले। ऑब्वियसली मेटल का बैक रहने वाला है जो देखने में काफी अच्छा रहने वाला है। बैक साइड में डुअल कैमरा का सेटअप, एलईडी फ्लैश एंड वन प्लस का लोगो भी मिल जाएगा। इसका जो वेट है भाई 202 ग्राम, थोड़ा मुझे भारी लगा लेकिन हाथ में फिट हो जाता है। और इस फोन में है भाई IP65 रेटिंग, क्योंकि थोड़ा सा वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ भी होने वाला है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे 6.74 इंच FSD+ रेजोल्यूशन का AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले रहने वाला है, और यहाँ पे 120Hz जो हायर रिफ्रेश रेट यहाँ पे देखकर काफी स्मूथ है, आप इजीली यूज कर सकते हो। और यहाँ पे 2150 नीट ब्राइटनेस भी रहने वाला है, क्योंकि आप समझ सकते हो बहुत ब्राइट डिस्प्ले है। आप आउटडोर में भी आप इस फोन को आसानी से यूज कर सकते हो, और यूट्यूब का वीडियो आप यहाँ पे 4K HDR करके भी देख सकते हो, क्योंकि वीडियो क्वालिटी भी काफी अच्छा मिलने वाला है इस फोन में। और यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रॉन 7+ Gen 3 चिपसेट रहने वाले, भाई काफी तगड़ा सा चिपसेट है। और मेरे पास है 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, LPDDR4X रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आने वाला है। नॉर्मल यूज के लिए भी मैं कहने वाला हूँ काफी बढ़िया सा फोन होने वाला है। देखो यार, जल्दी जल्दी ऐप को यहाँ पे ओपन कर पाता है। एंड रैम मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो रैम मैनेजमेंट भी देखो यार, इस फोन का काफी अच्छा मिलने वाला है इस फोन में। कैमरा यहाँ पे बैक साइड में रहने वाला है डुअल कैमरा, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, जहाँ पे OIS रहने वाला है, एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। सेल्फी में मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बैक साइड में आप 4K 60 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है भाई। चलो मैं आप लोग को एक पिक्चर लेके यहाँ पे देखा देता हूँ। बैक कैमरा का एक पिक्चर ले लिया यहाँ पे, एंड सेल्फी कैमरा का एक पिक्चर ले लेते हैं। देखो यार, यहाँ पे सेल्फी कैमरा का पिक्चर काफी अच्छा प्रोवाइड करे, एंड बैक कैमरा का भी मैं देखा देता हूँ। देखो यार, बैक कैमरा का भी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा प्रोवाइड करे, क्योंकि इस फोन का कैमरा भी अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे रहने वाला है 5500 mAh की बैटरी। इसके अलावा है भाई 100 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है, जिसके जरिए से आप फोन को जल्दी भी चार्ज कर सकते हो। और बैटरी बैकअप भी मैं कहने वाला हूँ काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 500 mAh की बैटरी जो प्रोवाइड करे। मैंने तो इसको परचेस किया 25,000 रुपीज से थोड़ा पैसे ज्यादा देकर, लेकिन इसका जो प्राइस अभी हो गया भाई 30,000 रुपीज। तो बात करते हैं आप कैसा होने वाला है ये फोन। तो मैं कहने वाला भाई कुछ दिन लेट करिए, क्योंकि अभी दिवाली का सेल आने वाला है, उसी टाइम आपको मिल जाएगा ये फोन 26,000 रुपीज के अंदर ही। तो उसी टाइम आप ऑर्डर करिए, आपके लिए काफी अच्छा डील होने वाला है। ऐसे भाई 30,000 रुपीज में भी देखा जाए तो अच्छा फोन होने वाला है, आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। ऐसे भी आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक भी कर दो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगला न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।